अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और रमज़ान मुबारक के रोज़े रख रहे होंगे। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की तौफीक दे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और नेकियां समेटने की तौफीक हमें दे। अल्लाह पाक इसमें की गई इबादत और रखे गए रोज़े जो हैं उसको कबूल करे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। और ये मुल्तानी सोहन हलवा है और ये हमारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आया था, बहुत ही ज़बरदस्त था ये हलवा और बच्चों ने बहुत शौक से इसको खाया। और ये पहली इफ्तारी की वीडियो क्लिप्स हैं। इसमें घर में तो मैंने कुछ नहीं बनाया था, अब यकीन करें पहले रोज़े में एक तो वैसे तबीयत बहुत ख़राब थी और कुछ भी बनाने को दिल नहीं किया था और ये सारी चीज़ें जो है वो बाज़ार से ही लेकर आए थे हम। और अफ्तारी के टाइम में ये समोसे पकोड़े और कचौरी खा ली थी और इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, अब यकीन करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने को दिल कर रहा था क्योंकि इसमें जो कुछ क्लिप्स हैं कह लें ये नमाज तरावी के बाद के भी क्लिप्स हैं। मिल्क शेक बना लिया था और शरबत बना ली थी, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पीने को दिल कर रहा था। और आई होप आप सबके रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्लाह पाक हमें रोज़े रखने की तौफीक दे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की हमें तौफीक मिले। और ये मैं बना रही थी स्ट्रॉबेरी शेक और इससे पहले भी मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है, अगर आप रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे है इसकी रेसिपी। जल्दी से मैंने ये बनाया और ये जो है मैक्रोनी जो है मैंने ये दूसरे रोज़े मैंने अफ्तारी के टाइम बनाई थी। बच्चे ज़िद कर रहे थे कि अफ्तारी के टाइम में मैक्रोनी होनी चाहिए तो मैंने जल्दी से मैक्रोनी बनाई। और अब यकीन करें ज़रा भी हिम्मत नहीं होती इफ्तारी बनाने की, ऐसे कर दिल करता है कि कोई इफ्तारी बना दे। तो ये बेटी मेरी ने इसको अच्छी तरह सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो प्रिपेयर कर दी और फिर मैंने बिरयानी बना ली। पहले इसका मैंने कोरमा तैयार किया और साथ इसके बॉयल्ड राइस कर लिए मैंने। और बिरयानी ये कि इफ्तारी के टाइम तो नहीं खाई गई लेकिन उसके बाद भूख लगती है फिर खाई जाती है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। अल्लाह पाक हम सब के दस्तरखानों को इसी तरह खानों से भरे रखे और हम सबको सेहत व तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक दे। एक दूसरे को रमज़ानुल मुबारक में दुआओं में ज़रूर याद करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जो है वो समेटने की कोशिश करें। और इस टाइम पे ये नमाज तरावी हम पढ़ के आ चुके थे, मैं और बेटी हम पास ही घर के एक मदरसा है तो उधर नमाज तरावी पढ़ने जाते हैं। उधर से आने के बाद अच्छी खासी भूख लगी हुई थी उस टाइम पे खाया। और ये मैंने बनाई थी घर में रसमलाई, इसकी भी रेसिपी मैं शेयर